हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग लास्ट क्लास में वेव फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए थे. कहा था मैटर और जो वेव्स होते हैं उनको अलग अलग पहले समझा जाता था. फिर ड्यूअल नेचर की हम लोगों ने बात की थी कि कैसे जो वेव्स जिनको माना जाता है, लाइट हो गया, साउंड हो गया, उनके बारे में, लाइट के बारे में एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि वो भी वेव जैसा बिहेव कर वो भी पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है. और सिमिलरली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा इलेक्ट्रॉन जो कि एक मैटर पार्टिकल है, और उसके ऐसे और भी पार्टिकल्स के साथ वही एक्सपेरिमेंट किया गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और सब में ऐसा रिजल्ट मिला कि वो जो पार्टिकल्स है वो एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं. और किस चीज़ का वेव, तो हमने वेव फंक्शन की बात की, प्रोबेबिलिटी की बात की. एसेंशियली एक प्रोबेबिलिटी वेव की टाइप की एक कंसेप्ट है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग वेव फंक्शन होता है. एक पर्टिकुलर सिस्टम हम लोगों ने एनालाइज किया था, ठीक है, उसकी बात की थी. और ये बात हमने कल की थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि ये चैप्टर जो है एक दिन बहुत कंसेप्चुअल बात हुई थी लास्ट क्लास में, बट इसके आगे ये जो सब्जेक्ट है इसमें हाथ चलाने वाला काम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स टाइप की चीज़ करनी पड़ेगी. तो हम लोग उसी प्रोसेस में थोड़ा सा मैथमेटिकल रिफ्रेशमेंट आज कर लेते हैं, ठीक है. तो इसमें इंटीग्रेशन वाला काम खूब करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है. इंटीग्रेशन तो कुछ फॉर्मूले जो बच्चों वाले फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद होंगे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कांस्टेंट आता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में, डेफिनेट में लिमिट्स लग जाती है तो वो कांस्टेंट चला जाता है, ठीक है. तो वो कांस्टेंट मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैंने लिख दिया है. सिमिलरली कॉस एक्स डी एक्स ये होता है प्लस साइन एक्स, ठीक है. और वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए 1 बाय एक्स माइनस ए डी एक्स ये क्या होगा, तो आप बोलोगे ln log natural of x माइनस ए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है. अब अगर sin 2x होगा तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, हम देखते हैं. sin अगर x है यहाँ पे, sin 2x होता तो सेम चीज़ माइनस cos 2x अपॉन टू एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, वैसी बातें हम लोग विथ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है. तो आज क्या काम करना है, आज हम लोग थोड़ा इंटीग्रेशन करेंगे और फिर थोड़ा साई वाला प्रॉब्लम्स, कुछ थोड़ा बहुत बात करेंगे उसके बारे में, प्रॉब्लम्स करेंगे साई वाला, ठीक है. छोटी क्लास है, शॉर्ट क्लास है. तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये क्या होगा, फाइंड आउट करना है, ठीक है. आपको कॉन्फिडेंस है अगर इंटीग्रेशन में, पॉज कीजिए, अपने से कीजिए. नहीं कॉन्फिडेंस है तो मेरे को फॉलो कीजिए, ठीक है. वैसे ये छोटी मोटी चीज़ें, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए. नहीं आती तो फिर आपको इस डायरेक्शन में थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, सी एस आई आर नेट परस्पेक्टिव से. आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड, बेसिक मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो स्ट्रांग होना ही चाहिए. बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स में आप अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वो अलग चीज़ है, बट ये जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये आपको याद नहीं है अगर, तो प्रॉब्लम है थोड़ा. ये फॉर्मुलेशन वगैरह जो है ये आपके ग्रास्प में होने चाहिए, ठीक है. तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है. कैसे इंटीग्रेट करें, हमारे पास तो साइन का फॉर्मूला है. साइन होता तो बात बन जाती, साइन स्क्वायर का साइन में कैसे इंटीग्रेट करेंगे. तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है वन प्लस वन माइनस सॉरी वन माइनस कॉस 2x बाई टू, ठीक है. यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, स्क्वायर वगैरह तो नहीं पता बट सिंगल पावर के बारे में हमको पता होगा. तो ये हो जाएगा हाफ, हमने बाहर निकाल लिया 1 बाई टू का, ठीक है. और साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है. तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं चीज़ें डायरेक्ट करने वाला हूँ. तो हाफ बाहर निकाला और फिर ब्रैकेट में इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है. और कॉस का इंटीग्रल क्या होता है,
कॉस का इंटीग्रल होता है प्लस साइन, माइनस साइन नहीं होता, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एस एच, इंटीग्रल dx हो जाएगा x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos का होता है sin, तो माइनस sin 2x, sin x का cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और फिर जो चीज़ x के साथ में लगी हुई थी उस चीज़ से डिवाइड कर दीजिए बस, ठीक है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, आपको पता होगी इसके पीछे क्या रीज़न होता है, ये भी आपको पता होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह लगाते हैं उससे ये चीज़ इनडायरेक्टली आप लेकर आते, डायरेक्ट हमने ये काम कर दिया है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये हो गया, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और प्लस सी बाद में लगा दीजिए अगर इनडेफिनेट है तो। हालांकि हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में काम हमारा इस सब्जेक्ट में नहीं होगा, हमारा काम प्राइमरीली डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्राइमरीली क्या ऑलमोस्ट हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल्स में ही होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन है, आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए हमको कहाँ से कहाँ तक, तो ज़ीरो से पाई बाय टू तक, तो आप क्या करते, बस यही जो इंटीग्रेशन हुआ है इसमें ज़ीरो से पाई बाय टू लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। ज़ीरो से पाई बाय टू लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स पे लिमिट लगाएंगे, पाई बाय टू माइनस ज़ीरो यहाँ पे, तो पाई बाय टू माइनस ज़ीरो पाई बाय टू बचेगा, माइनस ऑफ साइन टू पाई बाय टू, साइन टू पाई बाय टू यानी कि साइन पाए, साइन पाए मतलब क्या होता है, साइन 180, साइन 180 कितना होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो पहला टर्म तो ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो अपॉन टू माइनस टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपके पास पाई बाय फोर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली हमको डेफिनेट इंटीग्रल से डील करना होगा, इनडेफिनेट का तरीका मैंने बता दिया है, मोस्टली उससे आपका काम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं, और मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, आप चाहो तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। यही क्वेश्चंस हम लोग करने वाले आज, और साय का भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सिंपल काम, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करो, इसका फाइनली जो भी आंसर आना है वो लेकर आओ। कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो सेम टाइप का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, कॉस 2x है, साइन 2x नहीं है, ठीक है। साइन के केस में 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 था, कॉस स्क्वायर के केस में 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ठीक है। तो जब भी हायर पावर्स आपको मिले कॉस में या साइन में, यहाँ x के साथ चाहे जो भी हो, ठीक है, उसी का डबल कर देंगे। जैसे मैं आपसे कहता कॉस स्क्वायर ऑफ 3x को इंटीग्रेट करो, तो कॉस स्क्वायर ऑफ 3x को इंटीग्रेट करने को बोलता तो आप क्या कहते, कॉस स्क्वायर 3x जो है वो हो जाएगा 1 प्लस 3x का डबल क्या, 6x, कॉस 6x बाय 2, सेम चीज़, बाय 6 नहीं होगा, बाय 2 होगा, ठीक है। तो मतलब जब x जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे 3x आ गया और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आप लेकर आएंगे, इस सब्स्टिट्यूशन को पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मैं नहीं कर रहा, आप लोग सीधे सीधे कीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट, या मैं आंसर लिखना है क्या, तो आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट इसका, तो कॉस स्क्वायर 3x का इंटीग्रेशन है ना, तो यह आ जाएगा आपका डेफिनेट वाला, अगर इनडेफिनेट वाला बात करेंगे तो 1 बाय 6 इंटू एक्स कहेगा 3x प्लस साइन 6x बाय 2, ऐसा आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है, ओके।
तो इसको आप कैलकुलेशन वगैरह आप खुद करेंगे, मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स कैसे करोगे? इसका एक तरीका है, आप कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से दो साइन लिया हमने और उसको कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, बचा क्या, एक साइन एक्स बच गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो कहेंगे, मान लेते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी लैम्डा इक्वल्स टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला साइन एक्स डी एक्स माइनस लैम्डा के बराबर, तो माइनस डी लैम्डा के बराबर, तो यहाँ पे डी लैम्डा लिख देते हैं, इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर देते हैं, जो माइनस यहाँ से आने वाला था, ठीक है, इधर कर दिए, और कॉस को हमने क्या कहा है लैम्डा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा माइनस में, तो ये एसेंशियली क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस को अंदर ले जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा माइनस इंटीग्रल डी लैम्डा, और ये चीज़ क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब बाय 3 माइनस लैम्डा, और लैम्डा क्या चीज़ है, लैम्डा तो कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, सिंपल काम है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमको इंटीग्रेशन करना है, साइन क्यूब है, साइन क्यूब का नहीं पता, हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया, और कॉस को जैसे ही हम एलिमेंट रखते हैं हमको पता है समथिंग साइन एक्स डी एक्स इस टाइप का आ जाएगा हमारे पास, ये जो डी वाला पार्ट है, और उससे ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया, सारा कुछ रख दिया, आंसर ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेम काम आप कॉस क्यूब के साथ कर सकते हैं, तो सेम काम आप कॉस क्यूब एक्स के साथ कर सकते हैं, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे कॉस क्यूब को आप कह देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिए, ठीक है, लैम्डा आपका फिर लैम्डा को आप साइन एक्स रख लीजिए, तो डी लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, डी लैम्डा हो जाएगा प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो जहां कॉस एक्स डी एक्स था वहां हमने डी लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, जहां साइन था वहां लैम्डा से रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये माइनस जो पिछले बार आ रहा था वो इस बार नहीं आएगा, ठीक है, इस बार नहीं आएगा, तो यहां पे सारा कुछ एक एक माइनस और लगा दो, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, ठीक है, तो यहां पे माइनस यहां पे प्लस, और फिर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा यहां पे साइन एक्स है, ठीक है, तो माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस में माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशंस है, आप लोग को लग रहा होगा कि आप बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक बार रिफ्रेशर हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा चलो इसको मिटाओ,
इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन, इसमें साइन कॉस दोनों आ गए, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो इसको मैं चाहूँगा आप पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर पिछले दो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से बनना चाहिए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल ट्रिक है, क्या ट्रिक यूज़ करने वाले हम लोग सॉल्व करने के लिए, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला, मैं क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है समझ में आ जाए बस एक बार। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस क्यूब है, तो दो कॉस स्क्वायर, दो कॉस ले लो, कॉस स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस एक्स जो बचा हुआ था और डी एक्स, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूशन लेना होगा, तो हम ले लेते हैं लैम्डा इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, वही सेम सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो फिर डी लैम्डा हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स के बराबर डी लैम्डा है, सब्स्टिट्यूट कर लिए, साइन एक्स के अगर लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, जो भी एक एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन आ जाएगा उसको आप इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, आगे आप काम खुद कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे मैं आपको इसमें नहीं बता रहा, ठीक है, ओके। साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, अच्छा ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आप खुद से कीजिए। साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, बट इसका मेरे को आपको ट्रिक पकड़ में आ गई है आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेट तो आप इसको कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन मेरे को चाहिए माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर के लिमिट्स तक, ठीक है। तो इनडेफिनेट आंसर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा इस और इस क्वेश्चन को हमको जल्दी से जल्दी करना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लिमिट मिले माइनस समथिंग टू प्लस द सेम थिंग ऑफ, ठीक है, तो आप चेक करो कि ये जो फंक्शन है ये कहीं ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन तो नहीं है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का कंसेप्ट पता है, सिंबॉलिकली मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पता है अगर कोई फंक्शन है एक्स क्यूब, तो अगर मैं आपसे पूछूँ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स के का माइनस एक्स रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यूब, यानी कि माइनस एक्स क्यूब, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप x के जगह में माइनस एक्स रखते हो, तो आपको यहाँ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या मिल रहा है, तो ओरिजिनल फंक्शन जो है, ओरिजिनल फंक्शन जो एक्स क्यूब था उसके साथ एक माइनस और आ जाता है, ठीक है। इस तरह के जो फंक्शन होता है जिसमें x को माइनस एक्स रखने से ओरिजिनल का एक नेगेटिव आ जाता है, इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं ऑड फंक्शंस, ठीक है। और अगर मान लो एक्स स्क्वायर होता और यही सब्स्टिट्यूशन करते, आपसे पूछा जाता एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ, एक्स के का माइनस एक्स रखे, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन हो जाता है, तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपको प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। जैसे ही अगर आप यहाँ, अब जैसे ही आपके पास ये सिचुएशन मिला और आपने चेक किया, पता लगाया कि ये ऑड फंक्शन है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन ऑड हो या इवन हो,
उन ज़रूरी मतलब ये दोनों क्राइटेरिया ही फुलफिल ना करे, ऐसा हो सकता है कोई फंक्शन हो जो ना ऑड है ना इवन है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो खैर उसके बारे में सोच छोड़िए। सो अगर आपने चेक किया, आपको पता लगा माइनस बी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो सीधे सीधे आप बोलोगे इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए ज़ीरो। ये सब चीज़ें आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ी होंगी। इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ग्राफ से ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है उस चीज़ को समझना। ओके, सो चेक करो, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसको सीधे सीधे ज़ीरो कर दो, और अगर ये इवन फंक्शन है तो फिर ये जो चीज़ है इक्वल हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू बी, यहाँ माइनस बी टू बी था, ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपके जो कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने में काम आने वाला है, अगर आपका माइनस से प्लस सम लिमिट के बीच में आपको इंटीग्रेशन करना हो तो, ठीक है। इसकी बात करते हैं साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये ऑड फंक्शन है क्या ये इवन फंक्शन है। तो साइन और कॉस के बारे में आपको पता है साइन और कॉस कैसे फंक्शन होते हैं, कौन सा ऑड फंक्शन होता है कौन सा इवन फंक्शन होता है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़ाया जाए, साइन एक्स एक्स, ठीक है। साइन ज़ीरो क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ये है, आगे बढ़ते जाएंगे, मान लिया ये पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, ये पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, ठीक। तो साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो, और फिर ये साइन जो होता है ये बढ़ता जाता है, ग्राफ बढ़ता जाता है, 90 डिग्री जब पहुंचते हैं आप तब जाके ये जो होता है, चलो मैं ये लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, जो साइन का ग्राफ होता है x इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू पाई बाई टू, x इक्वल्स टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, ठीक है। ये चार मैंने लाइंस मतलब इनके करिस्पॉन्डिंग डॉट 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 ड्रॉ कर दिया। तो साइन 90 कितना होता है, 90 डिग्री यहाँ पे पाई बाई टू, साइन 90 होता है 1, तो ज़ीरो से ये जाता जाता है, बढ़ता जाता है और हो जाता है यहाँ पे कहीं पे, ग्राफ ठीक से बना दूँ मैं, ओके 1, फिर ये वापस नीचे आता है यहाँ पे, फिर माइनस 1 और फिर 0। साइन एक्स का ये जो ग्राफ है इसको आप याद रखिए, इससे आपको साइन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स जो है वो याद हो जाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने 9th 10th में किए होंगे, वो सब अगर आपको ये ग्राफ याद है तो ये ग्राफ याद रह जाएगा। सिमिलरली साइन एक्स उल्टे डायरेक्शन में ऐसे ही चला जाता है, ठीक है, वही लाइन्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन प्लस 90 डिग्री पे प्लस 1 है, साइन माइनस 90 डिग्री पे माइनस 1 है, या फिर कह सकते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ये चीज़ इस ग्राफ के हिसाब से भी दिख रही है, सेटिस्फाइड है। ये ग्राफ याद रखेंगे बहुत काम आएगा, ठीक है। वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं कॉस एक्स का ग्राफ, सेम काम करते हैं, कॉस ज़ीरो कितना होता है, तो कॉस ज़ीरो प्लस 1 होता है, तो प्लस 1 से चीज़ें स्टार्ट करो,
प्लस वन से स्टार्ट करोगे तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फिर माइनस वन, ज़ीरो, प्लस वन, ठीक है। और प्लस वन से आया है तो वापस भी यहीं से जाएगा जुड़ते हुए, ठीक है। साइन के केस में आप देख रहे हो ज़ीरो से जैसे आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। कॉस में क्या देख रहे हो, आप चाहे पॉजिटिव साइड प्लस एक्स साइड जाओ, चाहे आप माइनस एक्स साइड जाओ, आगे चीज़ें वैसे ही रिड्यूस हो रही है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से एक मिरर रखा हुआ है, ये मिरर इमेज है, जैसा इधर सिचुएशन है वैसा ही इधर सिचुएशन है। यहाँ पे क्या क्या बात है, यहाँ पे आप मिरर रखोगे तो कुछ ऐसा बनता, उसका उल्टा है, तो जैसा इधर सिचुएशन है उसका जस्ट उल्टा इधर सिचुएशन है। और कॉस में क्योंकि आपको दिख रहा है कॉस ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए प्लस कॉस एक्स के बराबर, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा ऑड फंक्शन है, तो साइन एक्स जो है ये ऑड फंक्शन है और कॉस एक्स जो है ये इवन फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो ऑड ऑड दो मिलाओगे तो इवन बन जाएगा, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, बस वही चीज़ होगा, दो ऑड मिलाओगे तो इवन हो जाएगा। यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, तीन ऑड है, माइनस टू पावर थ्री, तो ये ऑड रह जाएगा, ठीक है। साइन क्यूब एक्स ऑड है, कॉस इवन है, कॉस स्क्वायर भी इवन है, ऑड इंटू इवन ऑड रह जाएगा, तो वही जैसे होता है ना आपका माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, तो वैसे ही ऑड इंटू ऑड ये हो जाएगा इवन। अब ये टोटल क्या बन रहा है, ऑड इंटू इवन टोटल हो गया ये ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन अगर माइनस से प्लस में जाए तो उसका आंसर क्या होता है, तो थोड़ा देर पहले बात हुई थी, ज़ीरो, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं, तो कहाँ आप इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट करने बैठोगे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो ऑड इवन फंक्शन, जिसको नहीं पता उसको भी ऑड इवन सोचने में टाइम लगेगा, पर एक बार आपने ये काम कर लिया ऑड इवन सोचने का काम, तो उसके बाद दूसरे बार टाइम नहीं लगता। हालांकि इंटीग्रेशन करने में हर बार टाइम लगता है, भले आपको आता हो, ठीक है, कई बार श्योर नहीं होता, ठीक है। तो ऑड इवन फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है ये काफ़ी यूज़फुल है, और मैथमेटिक्स वाइज आज इतना काम हमने किया है। इसके बाद हम लोग वापस से हमारा जो पुराना काम है वेव फंक्शंस वगैरह का, उस पर हम चले आते हैं। तो ये मैथमेटिक्स को मैं सारा कुछ रैप करता हूँ। कल आपको दो क्वेश्चन दिए गए थे, कहा था साई इक्वल्स टू ए इंटू समथिंग समथिंग है, सम फंक्शन ऑफ एक्स, और आपसे कहा गया था कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सीधे क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, सीधे क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, तो क्वेश्चन है साई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स एक्स माइनस एल, ऐसा गिवन है आपको, ठीक है। और ये चीज़ कब तक वैलिड है, ये चीज़ तभी वैलिड है जब एक्स आपका ज़ीरो से एल पे होता है, ठीक है। और अदरवाइज बाकी सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए जो साय है वो हो जाता है ज़ीरो, ठीक है। तो साय को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है, वही सारी कंडीशन जो हम लोग कल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को जिसमें आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू वन, या फिर वन इक्वल्स टू इंटीग्रल मॉडुलस ऑफ साय स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन, जब ये आप करते हैं इन ऑल स्पेस,
तो इस प्रोसेस को, यानी कि ए फाइंड करने के प्रोसेस को और साई को ऐसा बनाने को कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना। ठीक है, तो जो हम लोग काम अभी कर रहे हैं उस काम को कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, ओके, यही काम हमको करना है। ये काम करना है मतलब साई स्क्वायर डीएक्स, तो वन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल का स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ठीक है, पर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ये इनडेफिनेट नहीं होता। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करता है, बट क्योंकि हमारा जो साई है वो केवल एक्स इक्वल्स टू जीरो टू एल में एग्जिस्ट करता है, बाकी जगह ज़ीरो है, तो बाकी जो हिस्सा है इंटीग्रेशन का वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब हमको कुछ नहीं करना, हमको पूछना है कि भाई कहाँ पे नॉन ज़ीरो है वहीं पे लिमिट्स रखनी है, तो ज़ीरो से एल यहाँ तक हमारा एक्स है। ठीक है, करो इंटीग्रेट, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तो है नहीं, कैसे इंटीग्रेट करोगे, थोड़ा देर पहले किया है, सिंपल अलजेब्रिक इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ज़ीरो से एल जो भी है, एक्स स्क्वायर तो एस सच रह गया, एक्स माइनस एस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू एक्स एल डीएक्स। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब एल डी एक्स। ठीक है, कोई टफ इंटीग्रेशन है क्या यहाँ पे? सिंपल एलजेब्रिक इंटीग्रेशन है। आप बोलोगे एक्स फोर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू फाइव अपॉन फाइव, सिमिलरली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू फोर अपॉन फोर। ठीक है, सारा कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सारा कुछ इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, इंटीग्रेट करके फिर लिमिट्स डालनी है कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से एल। तो जब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, जब आप x में ज़ीरो डालोगे तब तो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, लिख ही देते हैं सारा कुछ, तो यहाँ पे आ रहा है वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स रेज टू फोर, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू फाइव बाय फाइव प्लस एक्स क्यूब एल स्क्वायर बाय थ्री माइनस एक्स रेज टू फोर एल बाय बाय फोर था और यहाँ पे टू है, कट गया, बचा टू। ठीक है, ज़ीरो से एल। अब एक्स की वैल्यू जब आप एल डालो, एक्स रेस टू फाइव की बात करते हैं, एल रेस टू फाइव माइनस ज़ीरो रेस टू फाइव, तो एल रेस टू फाइव, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालने की ज़रूरत नहीं, सीधे एल वाली वैल्यू डालो, तो वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल रेस टू फाइव बाय फाइव प्लस एल रेस टू फाइव बाय थ्री माइनस एल रेज टू फाइव बाई टू। ठीक है, जो भी आ रहा है कैलकुलेट करो, एक ही कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या कैसी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइव थ्री टू,
फाइव थ्री टू यानी कि ये हो जाएगा 6/30 वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल रेस टू 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो 5 3 2 5 3 15 2 30 तो 30 बन रहा है LCM तो 6 इसके पास आ जाएगा प्लस इसके पास आ जाएगा 10 माइनस इसके पास आ जाएगा 15/30 ठीक है 6 + 10 16 - 15 1 1/30 यहाँ पे आ गया तो A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30/L^5 का रूट ठीक है ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी 30/L^5 हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको ये बात पता है कि प्लस माइनस यहाँ पे आता है हमने खाली प्लस क्यों लिया प्लस माइनस क्या हो सकता था उससे कोई फ़र्क पड़ता क्या तो वेव फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो जो भी अगर आप ए को -30/L^5 ऐसा भी रख देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी जब हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे वेव फंक्शन का थोड़ा अच्छे से मतलब समझेंगे उसके इफ़ेक्ट समझेंगे सिस्टम को समझने में उसकी जो फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है जैसे यहाँ पे देख रहे हो प्रोबेबिलिटी की बात है प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो मॉड साइज स्क्वायर dx कर रहे हो स्क्वायर कर रहे हो माइनस अपने आप चला ही जाना है ठीक है अगर आ भी गया तो ठीक है ऐसे सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन उसके अलावा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे थोड़ा सिंपल सेम सारा कुछ कंडीशन है अब यहाँ पे मैंने कह दिया a इंटू एल प्लस आई एक्स ठीक है तो अब मैंने साइज जो है कॉम्प्लेक्स लिया है मॉड साइज स्क्वायर dx अब ये मॉड साइज स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे तो एसेंशियली यहाँ पे जो साई स्टार इंटू साई है यही मॉड साई स्क्वायर होता है साई स्टार क्या होता है या कोई भी क्वांटिटी है कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसका स्टार मतलब होता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब जहाँ जहाँ आपको आई दिख रहा है वहाँ पे आप माइनस आई रख दीजिए और सोचने की ज़रूरत नहीं ठीक है तो एसेंशियली किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे साई स्टार साई मतलब एल साई स्टार की बात करें तो आई की जगह माइनस आई रखना है तो प्लस आई की जगह माइनस आई एक्स इंटू साई जो कि पहले जैसा आई एक्स यही चीज़ मॉड साई स्क्वायर की जगह रखने वाले हैं ठीक है एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेना था मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे आप देखोगे एल प्लस आई एक्स और एल माइनस आई एक्स ये सिंपली आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका आ जाएगा सिंपली मॉड साई का स्क्वायर ठीक है और जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है और आपसे कहा जाता है उसका मॉडुलस का स्क्वायर तो ज़्यादा मत सोचो बोलो भाई रियल पार्ट कौन सा है इमेजिनरी के साथ जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा है और फिर बोलो ये जो साई स्क्वायर है वो एसेंशियली है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर ठीक है अगर एल माइनस आई एक्स होता तो मैंने क्या कहा मैंने कहा रियल का स्क्वायर एल स्क्वायर आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है आप माइनस एक्स बोल लो माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस को एक्स स्क्वायर भी होता है सेम चीज़ आ जाती है अगर यहाँ पे चाहे प्लस होता चाहे माइनस होता मैं फ़िलहाल प्लस लेके चल रहा हूँ उससे फ़र्क इस केस में तो नहीं पड़ेगा ठीक है तो फिर एसेंशियली हो जाएगा 1 = इंटीग्रल ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर ए स्क्वायर है 0 से L
इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन मैं नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन मैं आपके लिए छोड़ दिया, जो भी आंसर आएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू वट एवर उससे आपको ए मिल जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। मेन मेरा मकसद यहाँ पे आपको सिखाना कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करना, वो है, ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा तो है, सिंपल सा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलजेब्रा वाला है, बट उसमें मैंने लिमिट्स जो है वो थोड़ी बढ़ा रखी है। ऑफ कोर्स मैं जो भी क्वेश्चन आपको देते जा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो फिर बात अलग है, बट अदरवाइज़ आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे खुद से ट्राई करने का, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व तो कर ही रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन आप देखेंगे और अपने तरफ से पॉज कर दीजिए वीडियो को और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो ए इंटू एक्स बाय स्मॉल ए, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है साई की। दूसरी है साई इक्वल्स टू ए बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए, साई की ये एक वैल्यू है और एक साई की वैल्यू है ज़ीरो, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से ए के बीच में रहती है तब साई की वैल्यू होती है ए टाइम्स एक्स बाय ए, जब साई की वैल्यू ए से बी के बीच में होती है, एक्स की वैल्यू सॉरी, तो फिर साई की वैल्यू ये होती है, और जब साई की वैल्यू हो जाती है कोई भी और वैल्यू अदरवाइज ज़ीरो, ठीक है। सेम काम आपको करना है, आपको पता लगाना है ए की वैल्यू, आपको साई को नॉर्मलाइज करना है या ए की वैल्यू पता लगानी है, फाइनल साई पता लगाना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू पता लगानी है हमको, कैसे करेंगे, सेम काम करना है हमको, तो 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साई स्क्वायर डीएक्स, सीधे सीधे काम करते हैं हम लोग। तो साई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे रियल है, कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ए स्क्वायर इंटीग्रल जो जो रेंज है हमारे पास सब में ब्रेक कर दो, 0 टू ए एक्स बाय ए का स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए का होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, प्लस ज़ीरो बाकी जगह में भूल जाओ उसको, ए स्क्वायर क्योंकि दोनों में आने वाला था हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। मतलब सिंपल एलजेब्रा वाला काम करना है आपको, ए फाइंड करना है स्मॉल ए और बी के टर्म्स में, और बहुत इजी है, सारा इंटीग्रेशन ही करना है। मैं इसको करूँ कि आपके लिए छोड़ दूँ, चलो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए और ख़ुद से कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आप देख लेंगे, ठीक है। सो एसेंशली ये कुछ टॉपिक हम लोगों ने, कुछ पार्ट जो है हम लोगों ने कवर किया है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो ये इंटीग्रेशन तो आप सॉल्व कर लेंगे। कल आप लोगों को दो क्वेश्चन गिवन थे, वो दो क्वेश्चन क्या थे, तो इसको मैं रब करूँ, तो एज अ होमवर्क आपको साई इक्वल्स टू साई इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको आपको नॉर्मलाइज करने को गिवन था। अब मैं जब कह रहा हूँ नॉर्मलाइज करना है, मतलब आप समझ जाएंगे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप जो फाइनल साई मिलेगा आप उसको नॉर्मलाइज्ड साई बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक होमवर्क आपको गिवन था, और आपको गिवन था होमवर्क ए ई रेस टू माइनस अल्फा
मॉड एक्स, ये दोनों को नॉर्मलाइज करना था, ठीक है। सो अब इसके प्रोसेस में अब मैं आपको नॉर्मलाइज करना तो नहीं बताऊंगा, इनफैक्ट उससे बेटर मैं आपको एक रिज़ल्ट, स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है जो शायद मैथमेटिकल फिजिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 to ∞ x रेस टू n e रेस टू माइनस अल्फ़ा x स्क्वायर। अगर इस तरह का आपके पास इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कुछ भी है x के साथ में, तो इसकी इंटीग्रल dx इसकी वैल्यू होती है गामा ऑफ n प्लस 1 बाई 2 अपॉन ट्वाइस अल्फ़ा टू द पावर n प्लस 1 बाई 2। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे पावर में है, ठीक है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है x रेस टू n e रेस टू माइनस अल्फ़ा x dx इक्वल्स टू गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा रेस टू n प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अब ये जो गामा ऑफ n प्लस 1 बाई 2 लिखा हुआ है या n प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ऐसा फंक्शन शायद आपने हो सकता है ना देखा हो, वैसे यूजुअली आप मैथमेटिकल फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ते हो, और उससे पहले भी अभी कभी वास्ता हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सो गामा ऑफ n प्लस 1 बाई 2, गामा ऑफ वट एवर नंबर, जैसे फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल आपसे पूछा गया फैक्टोरियल 3 क्या होता है, तो आप उसके लिए बोल देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे गामा ऑफ सम नंबर क्या होता है, तो गामा ऑफ सम नंबर की और ओके गामा ऑफ वट एवर नंबर, तो गामा ऑफ सम नंबर है उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि वो इक्वल हो जाता है n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1, ठीक है, ठीक है। और गामा ऑफ 1 जो होता है वो होता है 1, गामा ऑफ हाफ होता है रूट पाई, ठीक है। तो इसकी इन वैल्यूज़ को याद रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपसे पूछता हूँ कि गामा ऑफ 5 बताइए, तो आप क्या बोलोगे, ये होता है 4 इंटू गामा ऑफ 4, गामा ऑफ 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू गामा ऑफ 2, सॉरी 4 इंटू 3 और 3 इंटू गामा ऑफ 3, ठीक है। ऐसे आप करते जाएंगे आप पहुँचेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू गामा 2, ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू गामा 1, और गामा 1 1 हो जाएगा, उसको भूल जाओ। तो एसेंशियली गामा किसी इंटीजर का जो गामा है वो उससे, अगर ये इंटीजर है तो ये कोई भी इंटीजर अगर n है उसका जो गामा हो जाएगा वो n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इंटीजर है तो, अगर वो इंटीजर नहीं है वो फ्रैक्शन है, तो जैसे आपसे पूछा गया गामा ऑफ 7 बाई 2, चलो 5 बाई 2 कर लेते हैं, गामा ऑफ 5 बाई 2 बताइए, जो कि इस तरह का गामा आपको यहाँ पे फेस करने को मिल सकता है, तो वो यूज़लेस नहीं है। इसके लिए आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 टाइम्स गामा ऑफ 3 बाई 2, ठीक है। इसके लिए आप क्या कहेंगे, 3 बाई 2 तो पहले से रखा था, 3 बाई 2 गामा जो ये है हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई रखी हुई है, तो आप कह देंगे ये हो जाएगा एसेंशियली 3 बाई 4 रूट पाई, ठीक है। तो इस तरह से गामा फंक्शंस जो होते हैं उनकी मदद से आप ये जो इंटीग्रल्स हैं इसके लिए, इसके इसको निकालने के लिए जो इंटीग्रल्स आने वाले हैं रास्ते में, उनको आपको, उनके लिए आपको गामा फंक्शन की वैल्यूज इस तरीके से, ये इंटीग्रल्स, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, ये आपको याद रखना है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। सो आज
यही थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स में हम लोग काम ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव फंक्शन के बारे में और भी बातें करेंगे, इसका एनालॉजी जो हम लोग लेकर आए थे वेव्स के टर्म्स में, और फर्दर स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। खूब हाथ चलाने के लिए आप तैयार रहिए। आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं मुझे आप सेंड कर सकते हैं समहाउ, ठीक है, यूट्यूब में, और उसके अकॉर्डिंग लेट्स सी क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा करें क्वेश्चंस उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके।